पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को एक महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिकता संहिता स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुन चुन कर मुसलमान नेताओं को फोन कर रही है और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे यूनिफॉर्म, सिविल कोड, NRC और CAA लागू नहीं होने देंगी। पहली बार ममता बनर्जी ने UCC पर TMC की स्थिति साफ की है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका ये स्टैंड बहुत अहम है, जो दर्शाता है कि वे बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे UCC के खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा, हम रॉयल बंगाल टाइगर्स की तरह हैं। मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। चुनाव के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम UCC स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी को वोट ना दे। ममता ने कहा, कुछ भी होता है तो कोर्ट चले जाते हैं, हमारे लोगों को जमानत तक नहीं मिलती, हमें न्याय चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए। है शाम और अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं और हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उनका विसर्जन या जनाजा निकलना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।